नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त प्रिया आपके ही YouTube चैनल DIY Things with प्रिया में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज का जो हमारा प्लांट है वो मालाबार स्पेनेच है, इसको पुई शाक भी बोला जाता है। ये जो मेरा प्लांट है दोस्तों, ये सिर्फ 15 दिन का प्लांट है और दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी प्लांट है। ये जैसे पालक जो है वो सिर्फ विंटर में खाने के लिए होता है, लेकिन जो मालाबार स्पेनेच है ये आप सारा साल इसका साग खा सकते हैं और ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें विटामिन, मिनरल्स वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ दोस्तों। इसका जो नाम है वो पुई शाक भी बोला जाता है या पुए का शाक भी बोलते हैं, बसेला, अलबा, ये सारे इसके नाम हैं दोस्तों मालाबार स्पेनेच के अंदर दो वेराइटीज़ आती है, एक थोड़ा रेडिश कलर का होता है और एक ग्रीन है। मेरे पास अभी जो है रेड वाला अवेलेबल नहीं था, बट ग्रीन वाला मेरे पास अभी काफ़ी सारे प्लांट है, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। एक्चुअली ये जून महीने में ही लगाया जाता है, बट मैंने ये आपको दिखाने के लिए थोड़े दिन पहले इसके सीडलिंग कर ली थी। इसमें सीड लगते हैं, छोटे छोटे से फ्लावर लगते हैं। इसके फ्लावर जो है वो किसी काम के नहीं आते हैं, लेकिन इनके सीड से आप नए प्लांट ग्रो कर सकते हैं। और दोस्तों इसके जो स्टैम्प है उससे भी आप नए जो है कटिंग लगा सकते हैं। दोस्तों आज मेरे पम्पकिन का जो प्लांट है उसके अंदर जो फ्लावर वगैरह आया है तो वो भी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। मेरा जो पम्पकिन का यानी कद्दू का जो प्लांट है उसमें बहुत अच्छा फ्लावर आ रहा है, देख सकते हैं आप। इसके थोड़े से येलोइश फ्लावर होते हैं और कितने सुंदर दिखते हैं और बहुत सारी कलियाँ भी आई है, तो रोज़ ही एक दो खिल जाता है। इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड किया हुआ है, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। ये छोटा सा जो है कद्दू लगने वाला है शायद, और इसमें नीचे जिसमें फल आता है दोस्तों, वो जो फूल की कली आती है वो आपको देखते ही पता चल जाएगा। लेकिन दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो मालाबार स्पेनेच के ऊपर है, तो हम वापस हमारे उसी प्लांट पर आने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये प्लांट में आप देख सकते हैं कितने सारे कलियाँ आ रही है। ये मेरा कद्दू का प्लांट है या पम्पकिन का प्लांट बोलते हैं इसको। दोस्तों मालाबार स्पेनेच जो है ये बहुत ही अच्छा और सदाबहार एक वाइन है, इसे लता भी बोल सकते हैं आप। इसको आपको आगे सपोर्ट देना पड़ेगा जैसे ही ये थोड़ा सा बड़ा होगा उस समय। और दोस्तों इसमें बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट होता है, इसे आप पालक की जगह पर आप यूज़ कर सकते हैं। इसकी पत्तियों से आप पकोड़े बनाकर भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है इसके पकोड़े। तो इसको आप मिक्स सब्जी के रूप में भी खा सकते हैं, इसमें काफ़ी तरह की सब्जी ऐड कर भी इसकी पत्तियां या इसके स्टैम्प भी आप खा सकते हैं, और ये खाने में भी बहुत ही अच्छा टेस्टी सा होता है। इसे सलाद के रूप में इसकी पत्तियों को ले सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ थोड़े से ज़्यादा प्लांट है, यहाँ पर वो मीठे आलू वगैरह की भी प्लांट है, तो शायद आपको दिख रहा हो। ये इसकी पत्तियाँ थोड़ी सी मोटी होती है, इसके पत्तियों के अंदर भी बहुत सारा वाटर रहता है और स्टैम्प में भी दोस्तों इसके बहुत वाटर रहता है, इसीलिए इसके जो प्लांट होते हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा वाटर देने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें 19% कैलोरी होती है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B2 और B9, B6 और विटामिन सी, मिनरल्स, ये सारे दोस्तों इसके जो लीव्स है उसमें आपको मिल जाएंगे। तो आप खाइए और अपने जो बॉडी को है हेल्दी रख सकते हैं। और दोस्तों इसके जो है सीड्स है आप ग्रो कर सकते हैं, वो मैंने बता ही दिया है। बरसात का सीज़न वगैरह होता है तो ये बहुत ही फटाफट से ग्रो हो जाता है। मैंने तो इनको पॉट पे लगाया है, ये वाइन है तो मैंने इसको ऊपर बांध के भी रखा है। ये मेरा थोड़ा सा बड़ा प्लांट है, आप देख सकते हैं मैंने इसके जो लीव्स है वो तोड़ लिए थे एक दिन, पकौड़े वगैरह बनाकर हम लोगों ने खाए भी थे। तो दोस्तों ये इस तरह से आप इसको भी सपोर्ट देना पड़ेगा आपको। और इसकी पत्तियाँ देखिए आप कितनी मोटी होती है। और दोस्तों इसको आप जो है बहुत अच्छे से मतलब उगा सकते हैं। अगर आपके पास गार्डन है, नीचे का स्पेस है तो आप उसमें लगाएंगे तो आपका ये बहुत ही जल्दी ग्रो होगा। बट अगर आप पॉट में लगा रहे हैं तो थोड़ा सा स्लो इसकी ग्रोथ होती है, उसके लिए आपको इसको मंथ में एक दो बार लिक्विड फर्टिलाइज़र अप्लाई करना पड़ेगा। और आप इसकी सॉइल की बात करेंगे तो दोस्तों इसको, ये थोड़ा सा फूडी प्लांट है तो आप इसके लिए काउडंग का जो है वो
50-50 रेशियो रखिए या 60-40 कर लीजिए, 40% काउडंक ले लीजिए, 20% सैंड ले लीजिए और बाकी जो है आप नॉर्मल अपने गार्डन सॉइल ले लीजिए 40%। इस तरह से आप इसके जो है सॉइल रेडी कर सकते हैं। इसके सीड्स आपको कहीं भी मार्केट में भी मिल जाएगा दोस्तों, और आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। तो आप इस तरह से अपने घर पर कुछ हेल्दी प्लांट लगाइए। और दोस्तों फ्लावर के प्लांट तो सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन थोड़े बहुत खाने पीने के लिए भी हम लोगों को वेजिटेबल भी ग्रो करना चाहिए। और इसे आप थोड़ा सा सेमी सेड एरिया में रखिएगा, बहुत ज़्यादा धूप ना लगे, 2-4 घंटे की ठीक है, बट अभी जून का महीना है तो जून के महीने में बहुत तेज़ गर्मी होती है, इसलिए आपको थोड़ा सा इसको ऐसी जगह पर रखना है कि 2-4 घंटे की धूप आती है। और इसे आप डेकोरेशन के लिए भी किसी भी पॉट में लगाकर जैसे गेट के आसपास या घर के अंदर भी आप रख सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मालाबार स्पिनेच के बारे में और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर भी पूछ सकते हैं। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे रेड बटन पर क्लिक कीजिए, और मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल बटन पर भी हिट करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय।